नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा। और दिवाली का महापर्व आने वाला है, दिवाली का त्यौहार कुछ ही दिनों में आने वाला है। 24 तारीख को दीपावली है और इसको लेकर इंदौर शहर की हम बात करें तो काफ़ी अच्छा माहौल देखा जा रहा है, लोगों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। त्यौहार को देखते हुए हर वर्ष रेलवे विभाग की हम बात करें तो रेलवे विभाग द्वारा काफ़ी कुछ बदलाव किए जाते हैं, ट्रेनों के संचालन में काफ़ी कुछ बदलाव किए जाते हैं, काफ़ी कुछ नई ट्रेन स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत भी की जाती है। इस वर्ष क्या कुछ बदलाव देखे जा रहे हैं ट्रेनों के संचालन को लेकर, कौन कौन सी नई ट्रेनों की शुरुआत की गई है, कौन सी स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, इस पूरे विषय पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता राहुल वाविकर जी। और इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं पश्चिम रेल मंडल के PRO खेमराज मीणा जी। राहुल जी, क्या कुछ ट्रेनों की स्थिति को लेकर देखा जा रहा है, यात्रियों को लेकर क्या कुछ बदलाव देखे जा रहे हैं ट्रेनों को? जी बिल्कुल रोशनी, हर वर्ष रेलवे इस तरह की एक व्यवस्था करता है कि चूंकि दीपावली का त्यौहार है और उसके बाद के जो छठ के त्यौहार है, इस दौरान यात्रियों की संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है और ट्रेनों में आवाजाही जो है वो अचानक से बढ़ जाती है। इसके लिए जो लोग हैं वो अपने घर जाने के लिए पहले से ही बुकिंग करा लेते हैं और इसके मद्देनज़र जो ट्रेनें हैं वो बिल्कुल फुल चलती हैं। अगर हम इंदौर की बात करें, पश्चिम रेल मंडल का एक प्रमुख स्टेशन है और यहाँ पर भी बात करें तो रोशनी आप देख सकते हैं कि स्टेशन पर ये जो भीड़ है ये लगातार अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि ट्रेनें यहाँ से रवाना होना है। इस समय यहाँ पे यात्रियों की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है और ख़ास तौर से अगर बात करें कि मुंबई और दिल्ली की तरफ जाने वाली जो ट्रेनें हैं, जब भी वो रवाना होती है तो यहाँ पर जो स्टेशन है वो बिल्कुल खचाखच भरा रहता है। और इन्हीं दो अगर हम बात करें कि दिल्ली और मुंबई की तरफ, या हम कहें कि उत्तर भारत राज्य जितने हैं वहाँ के जो इतने भी शहर हैं उनके लिए जब यहाँ से ट्रेनें निकलती हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रश देखा जा रहा है। जिस यहाँ से इंदौर से जो भी ट्रेनें चलती हैं उत्तर की तरफ जाने वाली, या फिर ये कहें कि मुंबई, राजस्थान, महाराष्ट्र और ये कहें कि गुजरात की तरफ जितनी भी ट्रेनें यहाँ से चलाई जा रही हैं वो तमाम ट्रेनें जो हैं वो इस समय फुल चल रही हैं। किसी भी ट्रेन में बिल्कुल यात्रियों को जगह नहीं मिल रही है, वेटिंग लिस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है। ये आपको बताएं कि जो पुरानी जो ट्रेनें चल रही हैं उसके अलावा रेलवे ने कुछ स्पेशल ट्रेनें भी शुरू की है, जिसको दीपावली स्पेशल का नाम दिया है, त्यौहार स्पेशल का नाम दिया है। बावजूद इसके जो यात्रियों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। ये जो ट्रेनें जो चल रही हैं इनमें कोचेस की संख्या भी बढ़ाई गई है, हर श्रेणी के जो कोच है उसको उनकी संख्याओं में इजाफा किया गया है। बावजूद इसके जो यात्री हैं उनको अभी भी वेटिंग और RAC का सामना करना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि जो त्यौहार है उसके मद्देनज़र लगातार जो भीड़ है वो यहाँ पर देखी जा रही है और जो पश्चिम रेल मंडल है वो लगातार इसको लेकर व्यवस्था कर रहा है कि जो यात्री हैं वो उनको किसी तरह की असुविधा ना हो और उन्हें बिल्कुल पूरी तरीके से टिकट जो है वो मिल जाए, क्योंकि कई महीने पहले से ही रिजर्वेशन होने लगता है सभी श्रेणियों के लिए। तो ऐसे में जो रेलवे है वो तमाम परिस्थितियों को देखने के बाद ही ये तय करता है कि किन ट्रेनों में ज़्यादा भीड़ है तो उसमें कोचेस की संख्या कितनी बढ़ाई जाए, चाहे वो जनरल श्रेणी की बात करें हम, या फिर AC की बात करें, या फिर स्लीपर क्लास, सभी के कोचेस जो हैं वो बढ़ाए गए हैं रोशनी। और इसके अलावा जो दीपावली स्पेशल जो चलाई जा रही हैं वो ट्रेनें अलग हैं। बावजूद इसके जो लोग हैं वो अभी भी ये कहें कि दीपावली पर घर जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रेनों में रश देखा जा रहा है। 31 अक्टूबर तक सारी ट्रेनें जो है उसका रिजर्वेशन फुल चल रहे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो इन ट्रेनों से अपने गंतव्य की तरफ, अपने घर की तरफ जाने के लिए मूवमेंट कर रहे हैं। हमारे साथ में मौजूद है यहाँ पर पश्चिम रेल मंडल के PRO खेमराज मीणा जी। हम उन्हीं से बात करेंगे कि पश्चिम रेल मंडल ने किस तरह की व्यवस्था की है दीपावली के मद्देनज़र, कितनी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं और जो कोचेज की संख्या बढ़ाई गई है उसको किस तरह से मैनेज किया जा रहा है। सर, चूँकि दीपावली का त्यौहार है, उसके बाद छठ का त्यौहार भी आने वाला है, तो अब पूरा जो एक ये कहें कि पूरा जो एक पीरियड है वो पूरा त्यौहार वाला रहेगा, तो ऐसे में पश्चिम रेल मंडल ने क्या व्यवस्था की है, कितनी दीपावली स्पेशल चलाई जा रही है, कितनी त्यौहार स्पेशल चलाई जा रही है? देखिए, हमारे क्या है कि पूरा ये इंदौर जो रतलाम मंडल में आता है तो इसकी वजह वहाँ से जो बॉम्बे से जो ट्रेनें निकलती है नॉर्थ की साइड में, UP बिहार की साइड में, तो वहाँ पे ज़्यादा दबाव रहता है, तो इसकी वजह से हम लोगों ने तकरीबन एक दर्जन ट्रेनें वहाँ से UP बिहार राजस्थान इसके लिए चलाई है। इंदौर से स्पेशली हम लोगों ने जयपुर और जो नॉर्थ के लिए कुछ ट्रेनें चलाई है। इसके बाद में हमारा जो मेन जो रहता है कि जो पहले से हमारी ट्रेनें यहाँ से, क्योंकि यहाँ ट्रेन का ऑरिजिनेटिंग होता है, तो यहाँ से तकरीबन 500 ट्रेनें निकलती है, तो हम लोगों ने क्या करा कि जो आधे दर्जन ट्रेनों हमने एडिशनल
कोच लगाए हैं जो कि जोधपुर और दिल्ली और यूपी की तरफ जाती है, तो इसका जो मेन जोर है कि क्योंकि अभी क्या है कि फेस्टिवल का पूरी तरह से है, आज के बाद में फिर दिवाली है, इसके बाद में फिर छठ पूजा भी आ जाएगी, तो एक पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं क्योंकि पैसेंजरों की डिमांड के आधार पर अगले जो 30 अक्टूबर तक पूरी सीटें फुल है। तकरीबन स्लीपर और थर्ड एसी की बात की जाए तो तकरीबन 100 या 150 से ऊपर वेटिंग चल रही है, तो इसकी वजह से हमने एडिशनल कोच और स्पेशल ट्रेन चलाई है। सर, दिल्ली और ये कहें कि उत्तर भारत राज्य की तरफ जाने वाले जितने राज्य हैं उसमें सबसे ज़्यादा रश देखा जा रहा है, मुंबई की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा रश है, ऐसे में इन क्षेत्रों के लिए ज़्यादा ट्रेनें शुरू की गई है? हाँ देखिए, क्योंकि मुंबई जो है, क्योंकि इंदौर से मुंबई की तरफ इतना नहीं रहेगा रश, क्योंकि जो बॉम्बे से लोग अपने गाँव की तरफ जाते हैं, जो यूपी बिहार से जो भी लोग होते हैं, तो मेजर क्या है कि बॉम्बे एक हब है, तो वहाँ जाते जाते हमारा मंडल आता है, उसमें रतलाम, कोटा, नागदा और जो यूपी और बिहार की साइड के जो रास्ते वहीं से चढ़ते हैं, इसलिए हम लोगों ने क्या है कि ये स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की है। इंदौर से भी हमने एडिशनल कोच लगाए हैं और दूसरी फैसिलिटी भी, ताकि टाइमली लोगों को अपने एक दिवाली के लिए सही से पहुंच सके। सर, इसके अलावा पश्चिम रेल मंडल से कई सारी ट्रेनें भी गुजर रही हैं जो दीपावली स्पेशल है, जिनका ओरिजिनेट भले ही पश्चिम रेल मंडल में नहीं हो रहा लेकिन उत्तर भारत की तरफ से आ रही है, या साउथ की तरफ से जो जा रही है वो पश्चिम रेल मंडल के स्टेशनों से गुजर रही है, ये भी एक व्यवस्था और एक सुविधा मिल रही है लोगों को? हाँ देखिए, क्योंकि साउथ से क्या कि पूरी तरह से जुड़ता है, जैसे ही कोंकण साइड से भी ट्रेनें आती है और भोपाल के साइड से भी ट्रेनें आती है, तो हमारे जो 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 मंडल के रतलाम मंडल की बात की जाए तो जैसे कोटा से, इसके बाद दूसरा रेलवे आ जाता है, उससे पहले पहले हमारा ही रेलवे पड़ता है, तो इसमें जो रतलाम और दाहोद इसके एरिए हैं, इसके अलावा इधर की साइड से हम बात की जाए तो उज्जैन और मिक्सी की साइड से भी कुछ ट्रेनें अहमदाबाद से निकलती, वो भी कुछ स्पेशल ट्रेनें चली है, तो मतलब मंडल में क्या है कि पूरी तरह से स्पेशल ट्रेनों को हमने जो पैसेंजरों के मद्देनजर ही रखी हुई है। सर, जो एडिशनल कोचेस लगाए गए हैं उसमें सभी श्रेणी के कोचेस शामिल किए गए हैं? इसमें क्या है कि ज़्यादा जो मार होता है वो सेकंड थर्ड एसी और स्लीपर में होता है, तो मेजर हमने क्या है कि थर्ड एसी और स्लीपर में लगाया है, क्योंकि फर्स्ट एसी सेकंड एसी की तो डिमांड नहीं होती, क्योंकि एक मिडिल क्लास लोग हैं, अपने सफ़र करने लोग जाते हैं अपने दिवाली की छठ पूजा के टाइम पर, तो इसलिए हमने क्या थर्ड एसी और स्लीपर में एडिशनल कोच लगाए हैं। तो रोशनी, आप देख सकते हैं कि तमाम तरह की जो व्यवस्था है वो पश्चिम रेल रतलाम मंडल ने की है, और कई सारी जो ट्रेनें हैं जो इंदौर से ओरिजिनेट होती है या पश्चिम रेल मंडल के किसी स्टेशन से ओरिजिनेट होती है उसके लिए तो स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन चूंकि जो दूसरे जो रेल मंडल है उनकी जो ट्रेनें हैं और जो पश्चिम रेल मंडल से गुजर रही हैं उसकी एक सुविधा भी है जो लोगों को मिल रही है कि वो त्योहारों के दौरान अपने अपने घर तक जा सकेंगे और वापस आ भी सकेंगे। आपको बताएं कि ये इंदौर जो है वो पश्चिम रेल मंडल का एक प्रमुख स्टेशन तो है ही, और यहाँ से हजारों की संख्या में यात्री जो है वो रोजाना सफर करते हैं। एक मोटे आंकड़े के तौर पर अगर बात करें रोशनी, तो तकरीबन 25 से 26 हजार के जो लोग हैं वो रोजाना अलग अलग डेस्टिनेशन पर यहाँ से रवाना होते हैं और यहाँ पर आते हैं, तो एक काफ़ी व्यस्त स्टेशन है, काफ़ी बड़ा स्टेशन है, और इसी के चलते ही रेलवे पश्चिम रेल मंडल ने तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर लागू की है, और ख़ासतौर से त्यौहार को देखते हुए जो भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है उसके लिए भी यहाँ पर व्यवस्थाएँ की हैं। हम सर से बात और बात करेंगे, मीना जी, जिस तरह से ये पूरा एक ये कहें कि त्यौहारों के दौरान हर वर्ष इस तरह के हालात बनते हैं, जो एडिशनल कोचेस लगाए जा रहे हैं, कुछ दिवाली स्पेशल शुरू की जा रही है, क्योंकि छठ पूजा में काफ़ी ज़्यादा बिहार की तरफ एक मूवमेंट होता है, ट्रैफिक होता है, कुछ और ट्रेनों की मांग या स्पेशल त्यौहार स्पेशल की मांग और भी मंडल की तरफ से की जाएगी? देखिए, दिवाली तो एकदम ही उस पर आ गया है, क्योंकि और जो छठ पूजा है वो उसके लिए टाइम है, तो हो सकता है कुछ और ट्रेनों में ये एडिशनल कोच लगाए जाएं और जो डिमांड के आधार पर कुछ स्पेशल ट्रेन भी इधर की तरफ यूपी बिहार की तरफ चलाई जाए, तो आगे आने वाले टाइम में जिस तरह की जो हम लोग देख रहे हैं तो उसी के हिसाब से डिमांड के आधार पर ही यात्रियों को सुविधा दी जाएगी, कि इसके लिए एक अगर स्पेशल ट्रेनें चलानी हैं या फिर ये कहें कि एडिशनल कोचेस की आवश्यकता होती है उसके लिए एक डिमांड लेटर भेजना होता है, उसकी भी कार्रवाई चल रही है, उसके ऊपर नज़र रख रही है क्या? हाँ देखिए, जैसे जैसे भीड़, क्योंकि हम लोग वेटिंग को भी उसमें देखते हैं, क्योंकि जैसे ही वेटिंग और नो रूम हो जाता है तो इसका मतलब कि वो ट्रेन एकदम फुल है, तो हो सकता है कि इसके बाद में हम लोग एडिशनल कोच और दूसरी स्पेशल ट्रेन, क्योंकि उस जिस साइड में ट्रेनें जा रही है और जिस ट्रेन में पूरी कम ट्रेनें हैं और यात्रियों की संख्या ज़्यादा है, तो हम लोग करते हैं कि उस डिमांड को देखते हुए हम लोग करते हैं काम।
त्यौहार के मद्देनज़र कुछ एडवाइजरी भी रेलवे की तरफ से जारी की जाती है कि एडिशनल सामान ना लें या फिर ये कहें कि इन्फ्लेमेबल वस्तुएं जो होती है उसको भी हम लेके नहीं जाएं, इस तरह के तमाम तरह की एडवाइजरी है वो भी जारी की जा रही है रेलवे की तरफ। देखिए हम लोग अनाउंसमेंट सिस्टम से सारे टाइम टाइम से करते हैं, और तो इसके बाद में जो न्यूज़पेपर है उस और मीडिया के थ्रू भी पब्लिक को अवेयर पैसेंजर को अवेयर करते हैं। तो इस तरह से क्या है कि हम लोग यहाँ पर भी अनाउंसमेंट सिस्टम से और लोगों को बताते हैं, तो हम अपनी तरफ से भी अपील करते हैं कि कोई ज्वलनशील पदार्थ ना ले जाएँ, और ज़्यादा जैसे भीड़ हो उसमें अपने अपने आप को बचाव करें खुद, और पूरी तरह से मतलब अपनी यात्रा को सफल बनाने के लिए जो दूसरी जो चीज़ें जैसे किसी अपरिचित हो उससे कुछ सामान ना ले, क्योंकि ये इसमें भीड़ में क्या है कि ये लोग फ़ायदा उठाते हैं, और क्या है कि जो टिकट होता है उसकी कालेबाजारी भी होती है, तो उसमें क्या है कि पूरी तरह से अपने टिकट को कन्फर्म और पूरी तरह से देख के सेफ और इसके बाद में यात्रा करें, क्योंकि इस टाइम में क्या है कि लोगों को मौका मिल जाता है, क्योंकि भीड़ में लोगों को जो पैसेंजरों को किसी तरह से इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो रोशनी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम तरह की जो एडवाइजरी है वो पश्चिम रेल मंडल के द्वारा जारी की जा रही है, क्योंकि मीना जी का जैसा कहना है कि चूंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है ऐसे में कई तरह के जो आपराधिक तत्व है असामाजिक तत्व है वो भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, और जो भारी भीड़ है उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा लिया जाता है और उसके जरिए ही वो अपने अपराधों को अंजाम देते हैं। खासतौर से जो जहर खुरानी वाला एक मामला है जो अक्सर ट्रेनों में देखने को मिलता है कि खाने पीने की चीज़ों के साथ में कुछ इस तरह का नशीला पदार्थ दे दिया जाता है और सारा सामान जो है उसको लूट लिया जाता है। सर सुरक्षा के मद्देनजर किस तरह की व्यवस्थाएं, क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ रहेगी तो ऐसे में सुरक्षा जो है वो एक काफी बड़ी चुनौती रहती है। देखिए अभी क्या है कि हम लोग क्या है जीआरपीएफ और आरपीएफ की जो हमारा फ्रंटलाइन स्टाफ है उसमें ये जो सुरक्षा का काम यही करता है। फ्रंटलाइन स्टाफ सिर्फ लोगों को जैसे हमारे फ्रंटलाइन टीटी और जो दूसरे स्टाफ हैं वो इस चीज में हम रोल अदा करते हैं कि पैसेंजर की हेल्प ही करते हैं इस तरह की। इसके अलावा हमारा इंक्वायरी सिस्टम भी है, और दूसरा जो जो सिक्योरिटी की बात आती है तो जो आरपीएफ और जीआरपीएफ, तो इन दिनों में क्या है कि हम लोग स्पेशली जो है लेडीज़ के लिए भी जैसे कई ट्रेनें हैं शांति एक्सप्रेस दूसरी ट्रेनों में हम लोग उसको तैनात करते हैं, और इसके अलावा दूसरे जो आरपीएफ जो स्टेशन पे है उसकी भी हम लोग अभी प्लान करके और उसको सिक्योरिटी को टाइट करने की कोशिश करते हैं। सर ये सुरक्षाकर्मी जो है वो ट्रेनों के साथ में भी मूवमेंट करते हैं? हाँ, क्योंकि होता क्या है कि जैसे कोई लेडीज अकेली जा रही है तो हम लोग पहले से पीएनआर नंबर यहाँ पे उसको ले लेते हैं, इसके बाद में फिर उसके आधार पर हम लोग उसमें लेडीजों को जो कांस्टेबल होते हैं उनको डिप्यूट करते हैं कि जो आरपीएफ के अंडर में आते हैं, तो जीआरपीएफ को तो है ही, क्योंकि बहुत सारा होता है कि और एक चीज़ ये है कि अभी क्या है कि भीड़ का माहौल है तो लोग क्या है कि सब घर अपने जाना चाहते हैं, तो ये भी है कि लोग भाग के ट्रेन पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि पहले से पूरी तरह से पूर्व सुनिश्चित तो पहले से ट्रेन अपने स्टेशन पर आ जाएँ कि 15-20 मिनट पहले ही, तो ताकि अपने ट्रेन में अच्छे से बैठ सके, क्योंकि लास्ट टाइम में हो सकता है कि अपने जो ट्रेन जब चल दे इसके बाद में लटकने की कोशिश करें, तो कई बाकी हुए हैं आरपीएफ और जीआरपीएफ ने कई लोगों को बचाने की भी कोशिश की है। तो इस तरह से क्या है कि अगर पैसेंजर अपनी खुद सेफ्टी रखे और पहले टाइम पे आए तो इस तरह की वारदातें कम होगी। तो रोशनी यहाँ पर तमाम तरह के जो इंतजाम है वो पश्चिम रेल रतलाम मंडल के द्वारा किए गए हैं, और जिस तरह से पीआरओ मीना जी ने बताया कि जो लेडीज़ पैसेंजर है और जो अकेली ट्रेवल कर रही हैं उनकी जानकारी जो है वो पहले से ही जुटा ली जाती है, और चूंकि पीएनआर नंबर उनका अवेलेबल रहता है ऐसे में स्पेशल लेडी कॉन्स्टेबल जो है वो उनके साथ में अकंपनी करता है पूरे ट्रैवल के दौरान, सुरक्षा का कोई इस तरह का एक कोई वारदात ना हो या सुरक्षा को लेकर कोई खतरा पैदा ना हो, इस तरह के तमाम जो है प्रयास वो रतलाम रेल मंडल ने किए हैं। और ऐसे में जीआरपीएफ और जो आरपीएफ है इसको भी स्पेशल डिप्यो किया गया है, जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं उसमें ये जो जवान हैं वो इस पूरे ट्रेन में सफ़र करते हैं और कहीं ना कहीं सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित करते हैं। एक सुरक्षा काफ़ी बड़ी चुनौती होती है क्योंकि हज़ारों की संख्या में जो यात्री हैं वो इस दौरान सफ़र करते हैं, तो ऐसे में इन सुरक्षाकर्मियों की जो जिम्मेदारी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। त्यौहारों के समय घर जाने वालों के लिए हम कहें तो सबसे अच्छा साधन ट्रेन ही माना गया है, लेकिन हम रेलवे विभाग की बात करें तो रेलवे विभाग द्वारा अपनी आय को बढ़ाने के लिए भी काफ़ी कुछ फोकस किया जाता है। इस वर्ष जो कि हम बात करें कोरोना के 2 वर्ष तक काफ़ी रेल का जो था आय का स्रोत था काफ़ी कम रहा, लेकिन इस साल क्या कुछ कितना फोकस किया जा रहा है रेलवे द्वारा अपनी आय को बढ़ाने के लिए?
सर, एक इनकम की बात आती है कि जो रेलवे है वो अपनी इनकम पर भी उतना ही ध्यान देता है, चूंकि सुविधाएं मुहैया करा रहा है वो तमाम तरह के यात्रियों को। ऐसे में क्या ये जो तमाम जो स्पेशल ट्रेनें हैं, त्यौहार स्पेशल है, ये सारे स्पेशल किराए के साथ में इन्हें ज़्यादा उनको चुकाना पड़ रहा है? देखिए, होता क्या है कि जो जैसे ही त्यौहार आते हैं तो हम लोग हॉलीडे स्पेशल स्पेशल ट्रेन चलाते हैं, तो उसका एक रीज़न ये होता है कि पहले से रेगुलर ट्रेनें तो चल रही है, तो एडिशनल हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें व्यवस्था करनी पड़ती है पूरा ऑपरेशन में। इसकी वजह से उस चीज़ के मद्देनज़र ही स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती है, क्योंकि स्पेशल ट्रेन का मतलब है कि स्पेशल फेयर के साथ चलती है, तो उन जो दूसरी रेगुलर ट्रेन है उनसे फेयर ज़्यादा रहता है। बट मेजर चीज़ क्या है कि हम लोग फैसिलिटी उपलब्ध कराते हैं कि सारे लोग इसमें जा सके, तो और एडिशनल जो चीज़ें हैं वो हमारे इसमें रेलवे में लगती है, जिसकी वजह से हम लोग स्पेशल ट्रेनें भी ऑपरेशन करते हैं। सर, अभी अगर हम त्यौहार की बात करें तो कितनी स्पेशल ट्रेनें स्पेशल किराए के साथ में चल रही हैं? देखिए, स्पेशल ट्रेन तो हमारे डिवीजन की बात की जाए तो तकरीबन हमारे 2 दर्जन ट्रेनें होंगी, तो पूरे मंडल में चल रही है। तो ज़्यादा जो ट्रेनें हैं तो उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं कि बॉम्बे से निकलती है सारी ट्रेनें, जो स्पेशल ट्रेन है, क्योंकि बॉम्बे से कहीं भी नॉर्थ की तरफ यूपी बिहार पंजाब और जैसे कहीं भी वो ट्रेनें जाएंगी, तो वो जो मेन जो चीज़ें होती है कि बॉम्बे से कॉमर्शियल जगह से लोग अपने घरों में जाते हैं, तो इस वजह से हम लोग ट्रेनें निकालते हैं, तो वो डिमांड के आधार पर ये ट्रेनें निकाली जाती है कि स्पेशल, ताकि वो एक बैलेंस करने के लिए हम लोग स्पेशल ट्रेन निकालते हैं, ताकि रेलवे का भी बेनिफिट हो और पैसेंजर भी सुविधा भी देख के और जा सके। जी रोशनी, यहाँ पर आय का भी पूरा ख्याल रेलवे ने रखा है, क्योंकि स्पेशल ट्रेनों में ज़्यादा ऑपरेशनल खर्चा जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो ऐसे में उसको कोप अप करने के लिए ही यहाँ पर जो स्पेशल जो ट्रेनें चलती हैं वो थोड़े से ज़्यादा किराए के साथ में चलती हैं। जो आम ट्रेनें जो हैं उसकी तुलना में अगर हम बात करें तो स्पेशल ट्रेनों का किराया ज़्यादा रहता है, और बावजूद इसके ये स्पेशल ट्रेनें जो हैं वो भी फुल चल रही हैं, क्योंकि अगर हम जैसा आपने कहा कि दूसरे अगर हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उसकी तुलना में रेलवे और या ट्रेन से सफर करना फिर भी ज्यादा सस्ता होता है, तो ऐसे में लोग जो है वो ट्रेन से ज्यादा सफर करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि लंबी दूरी के जो यात्री होते हैं वो तो बिल्कुल ट्रेन से ही सफर करना पसंद करते हैं, तो ऐसे में रेलवे जो है वो तमाम तरह के जो सुविधाएं हैं वो इन यात्रियों को दे रहा है, और जो स्पेशल ट्रेनें हैं वो भी स्पेशल किराए के साथ में चल रही है। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता राहुल वावेकर जी, और उनके साथ मौजूद थे पश्चिम रेल मंडल के PRO खेमराज मीणा जी, जिन्होंने बताया कि रेल मंडल द्वारा क्या कुछ बदलाव किए गए हैं। त्योहारों की हम बात करें तो आगामी दिनों में 2 बड़े त्यौहार हैं, दीपावली और उसके बाद छठ पूजा। छठ पूजा में भी काफ़ी बड़े पैमाने पर लोग अपने घर जाते हैं और ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेन में बढ़ती भीड़ को देखते हुए हर वर्ष इस तरह के बड़े त्यौहार में रेलवे मंडल द्वारा काफ़ी कुछ बदलाव किए जाते हैं, काफ़ी नई ट्रेनें और स्पेशल ट्रेन शुरू की जाती है, और इस वर्ष भी तकरीबन 2 दर्जन से अधिक नई ट्रेनों का संचालन किया गया है, स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। टिकट की बात करें तो काफ़ी कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ चेंजेस किए गए हैं, और टिकट के प्राइस में भी वृद्धि कर दी गई है डिमांड को देखते हुए, और ट्रेन में जिस तरह से यात्रियों की संख्या बढ़ रही है उसको देखते हुए भी ट्रेनों का संचालन तो बढ़ा ही दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही आय पर भी फोकस किया जा रहा है रेलवे विभाग द्वारा। फिलहाल यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीजीआना न्यूज़।